दीपराज उर्फ अमन कुमार हत्याकांड में मधेपुरा पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में अभियुक्त रंजीत मुखिया पिता कमलधारी मुखिया थाना सिंघियान जिला समस्तीपुर, निरंजन कुमार उर्फ नीरज पिता अमीरलाल मेहता थाना ग्वालपारा जिला मधेपुरा और बम कुमार पिता राजाराम मंडल थाना ग्वालपारा जिला मधेपुरा को 2 देसी मास्केट 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। हत्याकांड का खुलासा करते हुए मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आए अपराधी से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक पुष्पराज उर्फ अमन कुमार अपराधी किस्म का व्यक्ति था और गिरफ्तार अपराध कर्मियों के गिरोह का सदस्य भी था। एसपी ने बताया कि मृतक पुष्पराज उर्फ अमन कुमार पूर्व में हत्याकांड जैसे जघन अपराध में जेल भी जा चुका था। हत्या की वजह का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि अनुसंधान और पूछताछ के क्रम में पता चला कि मृतक पुष्पराज उर्फ अमन कुमार द्वारा घटना के पूर्व पकड़ाए अभियुक्तों के साथ कहीं चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चोरी के बाद चोरी का सारा माल पुष्पराज उर्फ अमन द्वारा रख लिया गया, जो आपस में बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी कारण पकड़ाए अभियुक्तों द्वारा एवं उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा पुष्पराज उर्फ अमन कुमार को फोन कर घर से बुलाकर उसके साथ पहले मारपीट की गई, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मधेपुरा से विनीत कुमार की रिपोर्ट। 21/9/22 की रात्रि में ग्वालपाड़ा थाना अंतर्गत शाहपुर गाँव के पुष्पराज उर्फ अमन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसी ने उसे फ़ोन करके पहले बुलाया और बाद में उसके संबंध में कोई जानकारी घर वालों को नहीं मिली, तो सुबह में वो लोग निकले तो पता चला उसकी हत्या हो गई है। इस संबंध में ग्वालपाड़ा थाना में कांड दर्ज कराया गया और इस घटना की सूचना के पश्चात मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश कुमार के नेतृत्व में इस कांड के सही उद्भेदन और अनुसंधान के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में ग्वालपाड़ा थाना अध्यक्ष के अलावे उदा किशनगढ़ थाना अध्यक्ष, हरार थाना अध्यक्ष और कुछ हमारे तकनीकी सहयोगी के रूप में जो काम करते हैं उन लोगों को संलिप्त किया गया। इन लोगों ने इस कांड का बड़ा ही सफल अनुसंधान किया और अनुसंधान के क्रम में इन्हें जानकारी मिल गई कि किन लोगों ने इसकी हत्या की है। इस सूचना के आधार पर इन्होंने छापामारी का आयोजन किया और 26 तारीख को उसी गांव में सचिन ऋषिदेव के घर के पास कुछ अपराध कर्मियों के होने की सूचना पर इन लोग गए वहां पे और उनके घेराबंदी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किए। इन लोगों के पास से 2 बड़े-बड़े देसी मास्केट की बरामद भी हुई है। इसी मास्केट का प्रयोग इन लोगों ने उस हत्या में किया था। यह पुलिस की अच्छी सफलता है। पूरी घटना के जब जानकारी प्राप्त की गई इन लोगों के द्वारा तो यह बात प्रकाश में आया कि मृतक अमन कुमार भी अपराधी छवि का ही व्यक्ति था। वह एक पहले हत्या जैसे जघन्य कांड में जेल भी जा चुका था। इधर इन लोगों ने मिलकर के किसी के घर में एक चोरी का घटना का अंजाम दिए थे। उस चोरी में जो भी माल इन लोगों को मिला था वो अमन राज अपने पास रख लिया। इन लोगों ने उन्हें उसको शेयर करने के लिए बंटवारा करने के लिए बोलते रहे परंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसी गुस्सा में इन लोगों ने उनको फ़ोन करके बुलाया और बुला करके गुस्से में उसकी हत्या कर दी।